तो व्यूअर्स, वेलकम माई चैनल। तो मैंने अपने पिछले वीडियो पे दिखाया था कि मैंने अनारकली की कटिंग कैसे की, आज मैं स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो जिन लोगों ने मेरा अभी तक कटिंग का वीडियो नहीं देखा वो ऊपर के लिंक पे चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर भी चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसको तैयार करते हैं। तो ये रहा हमारा अनारकली। तो अभी हम इस पर क्या करेंगे, क्रॉस स्ट्रिप लगा लेंगे नेक पे, दोनों साइड पे, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पे। तो चलिए हम लगा के आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे नेक को बिठा लिया है, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों नेक पे हमने इसी तरह से तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, कंधा जुड़ाएंगे। तो देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे इस ड्रेस को इस तरह उल्टा करके रखा है और नीचे की ड्रेस को सीधा रखा है। इस तरह से हम दोनों साइड पे कंधे को जोड़ लेंगे। तो चलिए कंधा जोड़ के लेकर आते हैं। तो देख सकते हैं हमने कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे कंधों को जोड़ लिया है। अब मैं आपको स्लीव्स अटैच करके दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले हम स्लीव्स बना लेंगे। तो देख सकते हैं हमारे स्लीव्स, लेकिन स्लीव्स जो है वो कपड़ा थोड़ा कम था, इसलिए यहाँ पे 4 पार्ट है। इसको हम किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमने स्लीव्स को इस तरह से बिठा लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से इसको स्टिचिंग लगा लेंगे। तो चलिए आपको स्टिचिंग लगा के दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, देख सकते हैं हमने स्लीव्स को एकदम तैयार कर लिया है। तो मैंने किस तरह से किया है देखिए, यहाँ पे हमने बीच में सिलाई लगा लिया है और ऊपर और नीचे थोड़ी सी कटिंग कर दिया है जो थोड़ा सा इधर उधर था। तो अब स्लीव्स बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको ड्रेस में कैसे अटैच करूँगी। तो ड्रेस में अटैच करने के पहले हम क्या करेंगे, इस जगह को इस तरह से थोड़ा फोल्डिंग करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों को। उसके बाद मैं इसको कैसे बिठाऊँगी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम इस तरह से स्लीव्स को बिठा लेंगे दोनों साइड पे। तो चलिए स्लीव्स को एकदम तैयार करके बिठा के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने स्लीव्स को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल किनार से स्टिचिंग कर लेंगे जो जितना भी हमारा मेजरमेंटल है। तो चलिए आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं येलो क्लॉथ ले लिया है हम। अब हम इस कोने को इसको थोड़ा स्टिचिंग कर लेंगे क्योंकि इससे हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्डिंग करके इसको थोड़ा सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नहीं, हम थोड़ा दार दार से थोड़ा स्टिचिंग करेंगे। तो मैं आपको स्टिचिंग करके लेकर आती हूँ। तो देख सकते हैं हमने स्टिचिंग कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको प्लेट्स डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे प्लेट्स डालने वाली हूँ इसमें। तो देखिए मैं कैसे प्लेट्स डालने वाली हूँ। पहले हम इस तरह से करेंगे, उसके बाद हम दूसरे साइड को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से रख रख के टोटल जो है स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से प्लेट्स डालते हुए। तो इस तरह से हम प्लेट्स डाल के, मैं आपको प्लेट्स डाल के दिखाती हूँ इस तरह से लेकर आते हैं प्लेट्स डाल के। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको ड्रेस पे किस तरह से अटैच करूँगी। हमने स्लीव्स के लिए भी ये सब तैयार कर लिया है, देख सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं स्लीव्स में इसको किस तरह से अटैच करूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स के ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए इसको टोटल जो है सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से रख के हम इस तरह से इसको स्टिचिंग लगा लेंगे टोटल पे। जब हम इसको पलटेंगे तो ये इस तरह से आएगा और नीचे की साइड पे भी हम इसी तरह से कुछ ही लगा लेंगे। तो चलिए आपको स्लीव्स पे और नीचे ड्रेस के नीचे इस तरह से प्लेट्स लगा के आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, अब देख सकते हैं ये हमारा ड्रेस एकदम कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं इसे स्लीव्स कितने सुंदर आए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm